छः महीने से मंदा चल रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे वर्कर पर परेशानी आ रही है सर। पिछले महीने में करीब 12 तारीख को बंदे 17-18 बंदे निकाले गए थे। देखते इधर उधर काम देगा कहीं भी नहीं मिला, तो अब निकल रहे हैं घर पे अपने। 4-5 महीने हो गए जॉब नहीं मिला। पहले तो मैं कह रहा था न्यू लाइट कंपनी ऑटोमोबाइल में लाइट बनता था, फिलहाल ही खाली है, कोई जॉब नहीं मिल रहा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो डाउनफॉल आया है, मंदी का दौर आया है, ये बहुत ही दयनीय है। अगर हम पूरे देश की बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, तो करीब 35-40 लाख लोग कर्मचारी वे बेरोजगार हो गए हैं, रोड पे आ गए हैं। हमारे गुड़गांव एरिया में 2 दर्जन से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। जब इसमें ऑटो इंडस्ट्री में मंदा रहा है तो हमारे ट्रकों पे मंदा रहा है, हमें माल नहीं मिल रहा है, हमको हमारे गाड़ियों की किस्त भी नहीं निकल रही है, गाड़ी का टैक्स वगैरह भी नहीं भर पा रहे हैं, और तो ड्राइवरों की तनख्वाह भी टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं। लगातार हम न्यूज़ में भी अब पढ़ रहे हैं, हमारी जानकारी में आ रहा है कि ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा रिसेशन है, और ये रिसेशन तो बहुत पहले ही इसका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था, क्योंकि पहले तो स्पेयर पार्ट्स रिपेयर होता था इंडस्ट्रीज में, रिपेयर होता था, फिर उसके बाद ये पॉलिसी आ गई ऑटोमोबाइल की कि उसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़ गई थी, और इस वजह से क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऐसा ज़्यादा लग रहा है और उसमें से निकल बहुत कम रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज में जो व्हीकल चल रहे थे स्पेयर पार्ट्स ना मिलने की वजह से वो भी खड़े हो जा रहे थे, और इसलिए नया खरीदना पड़ रहा था। क्रय शक्ति नहीं है तो मार्केट के अंदर परचेजर नहीं है, परचेजर नहीं है तो डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं है तो इंडस्ट्रीज वाले तो परेशान हैं। GST सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और GST के लिए परसों वित्त मंत्री ने बोल दिया कि हम GST कम नहीं करेंगे, तो फिर क्या करोगे आप? ना तो लोन सरल कर रहे आप, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहे, ना आप ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे, चारों तरफ जाम लगा हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे? सरकार असल इशू पे आना नहीं चाहती। पूरा चुनाव हो गया, चुनाव के बाद जब सरकार बनी है और बजट आया है, उस बजट में भी इस ढंग से सरकार ने अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन एक मंदी की प्रभाव और इंडस्ट्री पे प्रभाव साफ साफ उन्होंने भी इसको माना है। और रोज़गार की दृष्टि से अगर देखें तो रोज़गार बढ़ने की बजाय उल्टा घट रहा है। इन दिनों में हमारे पास जो अक्सर क्लाइंट आ रहे हैं, तो उन क्लाइंटों में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, और वो वर्कर्स भी वे हैं जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे हुए थे, जो ठेकेदारों के नीचे काम कर रहे थे और या फिर ठेकेदारों की यूनिटों के नीचे काम कर रहे थे, और उनको अब बल्क में निकाला जा रहा है, और उनको जब निकाला जाता है तो किसी भी लेबर लॉज का जो है पालन नहीं किया जा रहा है। उनकी जो कमाई हुई सैलरी है वो, और जो नोटिस का जो पेमेंट देने का जो प्रोविज़न है वो भी उनको नहीं दिया जाता। पहले मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे था तो अनलिमिटेड ईयर के लिए था, अब 3 साल के लिए कर दिया गया, तो 3 साल ये रखेगी, उसके बाद कभी भी निकाल सकती है। तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तमाम तरह की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कमैन काम कर रहे हैं, जो स्थाई काम है तो स्थाई वर्क दो, ये कह रहे हैं कि हम रोज़गार बढ़ाने के लिए तमाम तरह के लेबर लॉज एक बाधा हैं। हम कह रहे हैं लेबर लॉज तो कहीं भी रोड़ा नहीं आए, लेबर लॉ होते हुए तो उनकी तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी, आप तमाम तरह के लेबर लॉज को बदल के वर्कर को तो गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन ये मंदी तो उससे मिटने वाली नहीं, उससे रोज़गार तो बढ़ने वाला नहीं है। लेबर लॉज में जो अमेंडमेंट किया है, जो एक कंसोलिडेट एक्ट लेके आए हैं, 4-5 लेबर एक्ट को ख़त्म करके, उसमें इन्होंने जो है पूंजी की जो इन्वेस्टमेंट करने वाला पूंजीपति वर्ग है उसका फेवर करने के लिए बनाया है। उसमें पहले जो है 10 वर्कर को निकालने के लिए, 30 वर्कर को निकालने के लिए एक सिस्टम बनाया होता, सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब जो है 300, 1500, 1000 इस तरह का वर्कर है उसकी वो लिमिट बढ़ा दी गई है, तो इस वजह से ये 10, 15, 20, 100 जो वर्कर को तो निकालने का उनको समझ लो एक तरह का लाइसेंस मिल गया है। हमारे यूनियन द्वारा 3 साल में वित्तीय मांग के लिए एक मांग पत्र दिया जाता है, जिस पर यूनियन और मैनेजमेंट समझौता करती है, लेकिन वो समझौता कर नहीं रहे हैं। इसके दौरान समझौता ना हो पाए, विफल हो जाए, उसको दबाव में रखने के लिए इन्होंने हमारे कम से कम 45 श्रमिकों को गेट बंद कर दिया है और उनको ड्यूटी पर नहीं ले रहे हैं। मुझे भी निकाला गया है
और स्थिति यह आ गई है कि हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और कमरे का किराया भी नहीं दे पा रहे हम, और कंपनी हमारे लिए कुछ सोच भी नहीं रही है। हम आज भी रोज़ कभी लेबर कोर्ट में, कभी लेबर डिपार्टमेंट में अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, और हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा समाधान हो जाएगा, और अगर समाधान नहीं होता है तो लगता है कि हमें भी घर जाना पड़ेगा। हमारा इतना बुरा हाल हो रहा है कि पूछो मत, प्लस में मंदा तो मंदा, और ये जो सरकारी तरफ से प्रशासन जो पुलिस वाले छोड़ रखे हैं ना, ट्रैफिक पुलिस वाले, उन्होंने जीना आराम कर रखा है। दिल्ली में एंट्री करे तो पैसा देना पड़ता है, हरियाणा में चले तो पैसा देना पड़ता है, सारा टैक्स जमा करने के बाद, सारा पेपर ओके करने के बाद भी प्रशासन ने इतना बुरा हाल कर रखा है। हमें लग नहीं रहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अप होगी, क्योंकि अब ये सिनेरियो चल रहा है डाउन का। अब अप्रैल 2020 में हमारा BS6 आ जाएगा, तो उसके भी हमें कोई आशा नहीं लग रहे, सरकार कोई राहत उसमें भी कोई राहत नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का रोल है, और गवर्नमेंट सीधे तौर पे कर्मचारियों के बारे में, उद्योगों के बारे में नहीं सोच रही। वो कुछ नामी ग्रामी 2-3 उद्योगपति हैं, उनको राहत देने में तुली हुई है। अभी तक से हमें तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, हमें तो सुनते रहे कि अगले महीने काम चलेगा, अगले महीने काम चलेगा, करते करते जी ये 6 महीने हमने बड़ी मुश्किल से निकाले हैं जी, कर्जे से घर चल रहे हैं, कर्जा लेकर हम गुजार कर रहे हैं। We'll be right back.